इशारा करना, संकेत करके मिलना है। कहते ही, अभी हम जिधर से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, नंदगांव का तरफ से आ रहे हैं और इस तरफ है बरसाना। कहते नंदगांव और बरसाना ये बीच का स्थान है, संकेत है। इसलिए यहीं पर कभी कभी कृष्णा वृंदा देवी को, कभी जोग माया, कभी बंसी को द्वारा, इनका बहुत सारी दूतियाँ हैं, दूती है। इसलिए जिनको भेज करके कभी राधा कृष्ण राधा जी को पास में और कभी राधा रानी कृष्ण को पास में, कभी दूतियों को भेज करके उनको बोलते थे आज हम यहीं पर, आज हमारी मिलन होगी। इसलिए कहते यही स्थान में जब राधा कृष्ण सबसे सर्वप्रथम कहते उनका जो मिलन है यहीं पर, राधा कृष्ण दोनों सबसे पहले यहीं पर मिले हैं। इसलिए कहते मिले का बल, एक समय कृष्ण जब कालियों को नाक के ऊपर में नृत्य किया है, इसलिए कृष्ण कहते ना कृष्ण रास लीला के लिए उन्होंने दो काम उन्होंने किया। रास से पहले उन्होंने दो लीला की, कहते पहला लीला तो उन्होंने कालियों के सर पर नृत्य किया और दूसरा उन्होंने गिरिराज गोवर्धन उठाया। बोले क्यों उठाए? बोले उनको रास लीला को पुष्टि करने के लिए है। मैंने पहले बताता हूँ ना, जैसे कोई कृष्ण अपना बहादुर दिखाया, ये दो लीला को द्वारा उन्होंने बहादुर दिखाया, क्योंकि कृष्ण हीरो है, नायक है, कृष्ण नायक, नायिका सब ब्रज गोपियाँ है। जैसे एक हीरो हीरोइन को आकर्षण करने के लिए क्या करता है कि जो बहादुर दिखाता है, इसलिए कृष्ण दो बहादुर दिखाए। एक तो उन्होंने कालियों के सर पर नृत्य किया और दूसरा बहादुर उन्होंने श्री गिरिराज गोवर्धन को उठाया। लेकिन कृष्ण जब कालियों को सर पर नृत्य किया, उसी समय में कृष्ण तो ये सोच रहे थे, मैं ऐसे बहादुर दिखाऊंगा ना जैसे ब्रज गोपियाँ मेरे प्रति आकृष्ट हो जाए, क्योंकि सबके सब कृष्ण सोच रहे, सबसे सब बड़े बड़े कलाकार देखे होंगे, कोई रस्सी के ऊपर नाचता होगा, कोई तलवार के ऊपर नाचता है, कोई सर के ऊपर कलश रखकर नाचता है, कोई सर के ऊपर में दिया जलाकर नाचता है, तरह तरह के नृत्य करते हैं। लेकिन कोई कभी ये नहीं देखा होगा कोई सांप के सर के ऊपर कोई नृत्य करता है, कोई दिखा नहीं होगा। इसलिए कृष्णा सोच रहे थे गोपियों को दिखा करके इनका मन को मैं आकर्षण करूंगा। लेकिन कृष्ण जब नृत्य किया, सारे ब्रजवासी लोग आए, सब ब्रज में हला हो गया, कृष्ण को कालिया नाग ने कृष्ण को पकड़ लिया, सारे ब्रजवासी सब ब्रज गोपियाँ आई सब के सब। उसी समय में कृष्ण ने श्री राधा रानी को उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करते हुए इतने में कृष्ण कह रहे हैं सुबल सखा, कृष्ण के जो सखा से सुबल सखा, कहते हैं सुबल सखा, कहते मैंने हैं जिस समय कालियों को सर पर नृत्य कर रहा था, एक सुंदर मैंने एक है गोपी को देखा। किसको देखा? बोले राधा रानी को देखा। जब से मैंने राधा रानी को देखा ना, तब से मेरा मन प्राण चित्त श्री राधा रानी सबके सुहार करके ले गए। इसलिए अगर उनको साथ में नहीं मिलूंगा तो मैं ये प्राण को त्याग दे दूं। उधर क्या हुआ, राधा रानी विशाखा से कह रही, बोले विशाखा मैं ये शरीर को त्याग दूंगी। बोले क्यों? बोले मैं एक श्री रूप गोस्वामी कहते ये बात को पद्यावली में ना, हाँ पद्यावली में रूप गोस्वामी कहते हैं। इसलिए विशाखा सखी को श्री राधा रानी कह रहे, बोले हे राधा रानी कह रहे विशाखा, बोले हे विशाखे मैं एक हिंदू स्त्री हूँ, नियम है अपना मन प्राण को हम एक पुरुष को प्रति देनी चाहिए, लेकिन मेरे जो मन है ना, कहते तीन तीन पुरुष को प्रति मेरा मन चला गया है, तीन तीन पुरुष को। बोले भैया वो तीन तीन पुरुष है कौन? बोले पहले तो एक का मैंने नाम सुना, जब से उसको नाम सुना कृष्ण, जब ये नाम सुना मेरे मन प्राण चित्त संपूर्ण कृष्ण नाम में ही डूब गया है। जिसको रूप गोस्वामी कहते ना, तुंडे तांडव निमित विकरुते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रड़ो कड़म खटे थे करना बुधे बसिया। ए बच्चे चेत प्रांगण संगनी रचयते सर्वेन्द्रिया नाम कृति नो जाने जनित किम अद्भुत कृष्ण इति वर्णत। जो कृष्ण जो दो अक्षर है इसमें
कितना रस उसमें भर दिया, कितने रस उसमें भर दिया, इसलिए एक कृष्ण नाम का प्रति मेरा मन चला गया। बोले दूसरे प्रति कहाँ पर गया? बोले एक कृष्ण चित्रा सखी नहीं, एक सुंदर चित्र अंकन की है, चित्र अंकन की। जब मैंने वो चित्र को देखा, मेरा मन प्राण चितोसी चित्र में, हाँ वो तस्वीर चित्र में ही मेरा मन प्राण उसी में ही डूब गया है। जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं स्मेरांग भंगित रहे परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते कृष्ण का रूप कैसे है, कृष्ण का रूप कैसे है। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं ना, खबरदार मथुरा मत जाओ, अगर मथुरा भूल से चले गए ना, भूल से वृंदावन में भूल से जाना ही नहीं। बोले भैया वृंदावन तो आने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। बोले अगर वहाँ पर गए तो कैसे तीर्थ घाट में जाना नहीं। बोले भैया हम तो वहीं पर स्नान करना चाहते, वहीं पर खड़े। बोले वहीं पर खड़े हो? बोले हाँ। बोले अगर भूल भटकते हुए वहाँ पहुँच गए ना, गोविंद देव मंदिर में तो प्यार रखनी नहीं चाहिए। बोले गोविंद देव को देखने के लिए तो हम आए, और तुम कह रहे हो वहाँ देखनी नहीं चाहिए। बोले अगर एक बार उनको देख लिया तो फिर हमें हमारे दोस्त तुम देना नहीं। कहते सोर वो रूप को देखने का बाद फिर तो कोई घर में वापस नहीं आते। फिर तो अगर पत्नी देख लिया ना, पति को भूल जाएगी। दुनिया पर बहुत सारी ऐसी पत्नियाँ होगी जो पति को धोखे देकर यहाँ आए होंगे, हैं धोखे देकर यहाँ पर आप पत्नी। कहते अगर पति अगर देख लिया, कथा सुन लिया तो वो भी पत्नी को भूल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे पुरुष लोग होंगे, हाँ बहुत सारे पुरुष लोग होंगे जो कि यहाँ पर पत्नी को इधर तो बोल बाल कर इधर ठग करके आ गए। जैसे हमारे श्री अनिता, श्री अनगमयन दीदी पति पति को छोड़ कर के ना, वो हमारे अजय पायलट बैठे हैं। अजय पायलट हाँ, इसलिए ऐसे बहुत सारी है। इसलिए कहते जो एक बार देखेगा, अगर बेटा देखेगा तो पिता माता को भूल जाएगा, ये बेटा बैठा है हमारे प्रभु जी। इसलिए कहते जो देखेगा, कहते वो रूप को जो देखेगा ना, बस वो सारा दुनिया को। इसलिए त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज कहते थे, कहते वो कि बहुत अच्छी बात त्रिविक्रम महाराज महाराज कहा करते थे। कहते वो कहते थे, वो कहते थे गोविंद देव को दर्शन हो गया? बोले हाँ। बोले श्री रूप गोस्वामी क्या कहते, उसको एक बार देखने के बाद दुनिया में और किस चीज को देखने की तुम्हारी इच्छा ही नहीं होगी। पति अगर देखेगा तो पत्नी को भूल जाएगा, पत्नी देखेगा तो पति को, बच्चे देखेगा तो पिता माता को भूल जाएगी हैं। कहते वो रूप का देखकर वापस नहीं आएगा, लेकिन तुम लोग सबको सब रिटर्न टिकट बना करके आए हो। तुम लोग आने से पहले वहीं से रिटर्न टिकट बना करके आएगा, हमको वापस जाना। लेकिन रूप गोस्वामी कहते वो रूप देखने के बाद कोई घर में वापस कभी नहीं जाते, लेकिन पहले से रिटर्न टिकट बना करके तुम लोग सबके सब रिटर्न टिकट बना करके तुम लोग आए हो हैं। इसलिए कहते मैंने एक कृष्ण छवि को मैंने देखा है हैं। इसलिए कहते खबरदार उनका मीठी मीठी मुस्कुराहट को मान, उसको विश्वास नहीं करना, उनका तेरे से चितवन नहीं। कहते वो तीर चलाते हैं, मीठी मीठी मुस्कान नहीं, वो जादू है, वो जादू है। खबरदार उस चीज को उनको प्रति विश्वास मत करना। ऊपर तो मीठी मीठी हंसते हैं, लेकिन अंदर से चाकू चलाते हैं, अंदर से चाकू चलाते हैं। सबको चाकू चलाया, जितने बैठे सबको सबको उन्होंने चाकू उन्होंने चलाया है। इसलिए कहते वो रूप का, इसलिए कहते मैंने कृष्ण का एक मैंने रूप का देखा, एक कृष्ण का मैंने नाम सुना, और एक कृष्ण का बंसुरी की मैंने आवाज सुनी है, बंसुरी वाले की मैंने आवाज सुना है। जिसको रूप गोस्वामी इस सब चीज को पर मैं रूप गोस्वामी का हर चीज में इन्हीं का बदान है। रूप गोस्वामी कोई अगर अद्भुत चीज आसन तुम्हार, अब उड़िया लोगों ने सब डाके दिया समझते, आज उड़िया रहे ठीक है बताए आसन। इसलिए कहते उनको, कहते जो बंसुरी वाले हैं, उनकी जो बंसुरी बंसुरी का हमने सुना, मेरा मन प्राण चित्त तो बंसुरी वाला ने ही हर करके ले गया। इसलिए तीन तीन पुरुष का प्रति मेरा मन चला गया, मैं तो प्राण त्याग दे प्राण में यहाँ पर माइक माइक में सबका आने के बाद माइक। इसलिए कहते मेरा मन तीन तीन पुरुष का प्रति चला गया। इतने में विशा कहती है राधे ये कोई तीन तीन पुरुष नहीं है, वो एक ही है, जिनका नाम सुने हो उनका ही छवि है और उनका ही बंसुरी है, वो तीन पुरुष नहीं। तब श्री राधा रानी कहती हैं फिर विशाखा वो पुरुष का प्रति मेरे को मिलन कराओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दे दूँ। अभी सुबल को कृष्ण कहते इधर, और उधर विशाखा को कौन कहते? राधा रानी। लेकिन ये साधारण कोई व्यक्ति हो ना, उनका मिलन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक राजा का लाला और एक राजा की लाली है,
अभी राजा का लाला लाली में मिलना साधारण बात नहीं, इसलिए पहले ये सखियाँ फिर सुबल सखा और श्री राधा श्री विशाखा मिलती हैं, मिल करके फिर एक दूसरों को दूसरे की बात उन्होंने बताते, राधा जी कथा सुबल कथा राधा जी को सुनाए, बोले ऐसे ऐसे, बोले कहाँ पर ये दोनों को हम मिला है, कहाँ पर मिला है, तब उन्होंने स्थिर करते हैं ये जो स्थान है ये नंदगांव और बरसाना का ये बीच का स्थान है, संकेत का स्थान है, बोले यहीं पर ही हम दोनों को यहीं पर मिला है, इसलिए यहीं पर राधा कृष्ण दोनों संकेत करके यहीं पर उनको पहला मिलन उनकी यहीं पर हुई है, इसलिए इनको ये संकेत स्थान कहते हैं। कभी यहीं पर गुरुदेव कहते थे हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जो उन्होंने मंगला आरती लिखे है ना, मंगला श्री गुरु गौर मंगला मुरारी मंगला श्री राधा कृष्ण जोगला बिहारी मंगला निशांत लीला मंगला उदाई मंगला यही स्थान है क्योंकि यहीं पर श्री जुगल सरकार रात को यहीं विश्राम करते। तो अभी राधा रानी को भेजना कहाँ पड़ेगा, जावट में, और कृष्ण को कहाँ भेजना पड़ेगा, नंदगांव में, तब यहीं पर विश्राम करते हैं। जब विश्राम करते हैं कहते श्री वृंदा देवी ने ही है, अभी दोनों प्रेम पूर्वक निकुंज में विश्राम कर रहे हैं, अभी धीरे 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 सूर्योदय होने का समय आ रहा है, सूर्योदय होने का समय आ, इतने में जो वृंदा देवी क्या करती है, उनको जो श्रृंगार लीला है राधा कृष्ण का जो हाँ उनको जो जुगल सरकार की सेवा जो श्रृंगार लीला है, कहते ये लीला को पुष्टि करने वाले वृंदा देवी जो जोग माया वो क्या करती है, राधा कृष्ण का सारी लीला को ही पुष्टि करती है जोग माया, और श्री पौर्णमासी जोग माया कहते ये जो वृंदा देवी उनकी जो मधुर लीला को पुष्टि करने वाले वृंदा देवी है, वृंदा देवी नहीं सुंदर कुंज बनाती है, फल फूल आदि वृंदा देवी सब कुछ वृंदा देवी सारे काम वृंदा देवी करती है। अभी धीरे 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 सवेरे होते जा रहा है ए बच्चों, इसलिए अभी राधा रानी को भेजना पड़ेगा, इसलिए वृंदा देवी बड़ी व्यस्त होकर के हैं, तब इन्हें में आदेश देती है, सारे सुख पक्षियों का आदेश देती है, फिर धीरे 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 पूजन करना आरंभ करो, राधा कृष्ण जो प्रेम निद्रा में सो रहे हैं, पहले इनका नींद टूटे, सबसे पहले कौन जगता है, कुकुटी हैं जो मुर्गा, अब देखना सवेरे सबसे पहले मुर्गा, अब देखना सबसे पहले ये मुर्गा है सबसे पहले यही जगता है, ये सवेरे उठते हैं, इनको पता नहीं इनके पास में कौन सा घड़ी है, आपने ये आपने पता चल जाते हैं सवेरे होने वाले 4:00 हाँ, ये सबसे पहले कू 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 बोल कर यही आवाज करती है, आवाज करने पर इनका जो सो रहे थे ना थोड़ी सी इनका नींद में थोड़ी सी उनको सुनने पर कान में थोड़ी सी इनका नींद खोलती है, खुलते ही इतने में सखिया कहती है राधा रानी कहती है बोले तू मर जा तेरे को काट कर खा ले, इसलिए मुर्गा को काट कर खाते है ना, बोले क्यों, हम जो राधा गोविंद जो हम आनंद पूर्वक यहाँ जो विश्राम कर रहे हैं प्रेम पूर्वक जो विश्राम कर रहे हैं हमारे राधा कृष्ण का जो मधुर लीला में तू व्याघात कर रहे हो कुहू 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 कह कर, इसलिए तू कसाई खाने में जा, इसलिए मुर्गा कसाई खाने में जाते मरते कसाई खाना में, फिर राधा कृष्ण फिर दोनों फिर सो जाते, सो जाने पर इतने में उन्होंने पक्षियों को फिर उन्होंने पक्षियों को फिर आदेश देती है, चलो फिर उन्होंने पक्षियों को आदेश देती है, फिर पक्षियां फिर आदेश पा करके जैसे तोते हैं मयूर हैं, फिर ये आदेश पा करके फिर धीरे 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 राधा कृष्ण की जो मधुर लीलाओं को उन्होंने फिर ये गान करते हैं, जब फिर थोड़ी सी नींद खुलकर फिर जब सो जाते हैं फिर उनकी एक कटखटी है एक बंदरी है, फिर ये बंदरी को आदेश देते हैं तुम जोर जोर से बोलो जटिला जटिला कुटिला कुटिला, तुम जोर जोर से जटिला कुटिला जोर जोर से बोलो, फिर तो उसने जोर जोर से जटिला जटिला कुटिला कुटिला करके आवाज करती है, जटिला कुटिला कौन है,
राजा की सास और ननद। आप देखे ना सास ननद कितना तेज है, आप पता होगा इसलिए कितने कितने तेज होती है। इसलिए जो ये योग माया ना, ये इनको जानबूझ करके, क्योंकि इनका जो मिलन अगर आसानी से, इनका अगर मिलन होगा ना, अगर आसानी से मिलन हो जाएगा फिर उसका महत्व नहीं है। कोई चीज अगर दुर्लभ से मिलता है तभी वो चीज का महत्व है। इसलिए ये जोग माया ने है, कहती है जोग माया ने ही, ए बच्चों ए क्यों कहती है जोग माया ने ही जान बुझ करके, ये जोग माया ने ये जटला कुटला बनाया। जटला मतलब क्या है? जटला मतलब जट बगाना, कुटला मतलब कुटकुट करना, कुटकुट करना। हाँ, अगर राधा इतना देर क्यों हो गई, क्या हो रही थी, क्या कर रहे थे, देखना कभी बोलते ना सास, कभी बोलते ना क्या बात है, किधर गई थी, इतना देर क्यों हो गई है, कारण क्या। देखो ये सब चीज है ना, हमारे भारतीय संस्कृति सब अच्छी चीज है, ये बुरी चीज नहीं है। अगर ये नानद सास अगर तेज नहीं हो ना, फिर बहुत उल्टा पुल्टा करना शुरू कर दिया। इसलिए हमारे देश में जो चीज है ना, हमारे जो देश में जो चीज है ना, ये हर चीज को कंट्रोल करने के लिए, प्रेम को रक्षा करने के लिए पहले से, अभी से नहीं, द्वापर युग से में देखो जटला कुटला पहले से ही, ये अभी से नहीं है, पहले से ही है। इसलिए जो दो चीज है, अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है, क्योंकि जीव को स्वतंत्रता मिले फिर तो बड़े उल्टा पुल्टा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसका उसका खिंचाई था ना, देखो भारत में ये सांस ननंद है, इसलिए स्त्रियां सती रूप में रहती हैं। लेकिन विदेश में वो चीज नहीं है, सती कोई नहीं, सती कोई नहीं, अपना इच्छा से सास ही वो झांक झांक के देखती है और बहू को बोलती है मत देख सास को झांक झांक के देखती है, लोगों को बोलती है तू मत देख, तब क्या करोगे इसलिए वो जो चीज है ना, हमारे भारतीय जो संस्कृति अच्छी चीज है, वो बुरी चीज नहीं है, अच्छी चीज है, ये बुरी चीज नहीं है। इसलिए ये जटला जटला और कुटला कुटला बोल करके वो जोर जोर से बोलते हैं, और उसको सुनते है ना राधा कृष्ण जो निकुंज में जो लीला कर रहे थे, जो सो रहे थे पास में, फिर वो सुन करके डर जाते हैं। जटला जटला कुटला कुटला बड़ा तेज है, इतने में फिर उनको जगा करके फिर उनको कपड़ा पहनते हैं, फिर यहाँ पर मंजरिया सखियां उनको फिर यहाँ पर आरती उतारती है। इसलिए जिसको हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी को ना, कुसुमित सरोवरे कमल हिल्लोल मंगल सौरभ भये पवन कल्लोल, कैसे यहाँ फूल खिला हुआ, कैसे सुगंध से चार तरफ में आमंत्रित हो रहा है, कैसे यहाँ पर सुंदर बेली चमेली जुई सुंदर सुंदर सुगंधी फूल का कैसे सुगंधी आ रही है। कहते ये सब स्थान, यही स्थान है, यही से ही राधा रानी चली जाती है जावट, उनको सखियां लेकर के उनको ले जाती है, हाँ? और यहीं से ही कृष्ण जाकर क्या करते हैं, नंद भवन में जाकर के चुपचाप मैया जसोदा उठने से पहले एकदम कृष्ण एकदम सीधा साधा जैसे कुछ जानता नहीं जाकर के पहले सो जाती है। और मैया जसोदा जो उठती है सोचती है लाला मेरे पास में सो रहा था, लेकिन लाला क्या करते करते आया मैया को पता नहीं। और राधा रानी भी सो जाती है और उनको पता नहीं मेरी बहू कहाँ कहाँ घूम करके आई है, उनको भी पता नहीं। इसलिए आप सुन रहे थे ना, कारण है इनकी मिलन अगर आसानी से हो जाएगी तो ये मिलन का महत्व नहीं रहेगी। इसलिए जोग माया इस सब चीज को जान बूझ करके ये जोग माया ने इस सब के सब लीला पुष्टि करती है। इसलिए कहते जो संकेत बने हैं, कहते कभी कभी ये सब कुछ जो होता है, जैसे कृष्णा जब रहते नंदगांव में, कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं, राधा रानी का ना बस सखियों की केस को स्पर्श कर देते हैं। स्पर्श करते मतलब क्या, राधा कृष्ण से शादी नहीं हुई, कहाँ मिलन होगा पता नहीं, जब केस को स्पर्श करते पता है केशव कुंज में जाएंगे, नाम का नाम श्री केशव कुंज, केशव कुंज जाएंगे। कभी कभी उनका अंगुल को इशारा रहता है, कौन सा अंगुल को टच करने पर कहाँ पर जाना, वो अंगुल को स्पर्श करते मारा देखा ना सुना, तखन वो वही पर कुंज में जाते हैं। इसलिए ये तरह तरह का इशारा करते हुए तरह तरह से जगह पर जाते थे। उठा दर्शन करिए इससे, उठा दर्शन करिए ना, उठा दर्शन हो गए थे। ठीक ठीक है, किंतु माइक होता मैदान का, एकाने एकाने आछे सब देखना आछे, लो बजा बजा ये माइक चालू कर, बोलो बोलो
नहीं वो बात पूरी नहीं करी आपने, आगे और बता रहे थे ना। नहीं 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 मिस हो गया। हरे बोल हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे बोल, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव बस बिहारी, जय गोपी जना वल्लभ जय गोपी जना जय गिरिवर हरी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय जशोदन ಯಶೋದನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ, ಯಶೋದನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ, ಆ ಯಶೋದ ಜೀವನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ, ಯಶೋದ ಜೀವನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ, ಆ ಯಶೋದನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನ ರಂಜನ, ಯಶೋದನ ಜಮುನ ತೀರಿ ಯಮುನ ತೀರಿ, ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಜಯ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ, ಜಯ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಜಯ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ, ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಜಯ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ, ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ, ಹರೆ ರಾಮ ಹರಿ 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 ಬೋಲ ಹರಿ ಬೋಲ ಹರಿ ಬೋಲ
बोलो बोलो अंग्रेजी बोलो देखे ना ज्ञान के मेरे अंदर से ज्ञान है जन शला के चक्षरों मिलितम ये तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु गौरचंद्राय राधिकाय सदालय कृष्ण कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः सर्वप्रथम दीक्षा गुरु पाद पद्म नितिल प्रवेश ओम विष्णु पादम दर्शन श्री शिव शिव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपन गुरुवर के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ और सबसे हेतु की कृपा की वाचा करता हूँ। श्री गुरुदेव की हेतु की कृपा से जिस स्थान पर आज हम आकर उपस्थित हुए हैं इस स्थान का नाम है सांकेत का। दो चीजें होती है, एक होता है मिलन, एक होता है विरह। जो भजन की परिपाटी है जो हमारे गुरुवरों ने हमें दी है वो विरह की पद्धति दी है। जैसे हम सुनते हैं हमारे छठ गोस्वामी कैसे भजन करते थे, छठ गोस्वामी अष्टकम में आता है हरे राधे ब्रज देवी के चललिते हे नंद सुनो पुता श्री गोवर्धन कर पादप तले कालंदी बनाए पुता वो शंता विति सर लगो ब्रज पूरे खेदे महाविमलो वंदे रूप सनातनो रघु युगो श्री जीव गोपाल। एक एक स्थान पे जाके विरेमयी कातरमयी प्रार्थनाएं करते थे कि हे राधे आप कहाँ पे हो, कोठारी को प्रेममयी राधे राधे। जगह जगह पे जाके देख रहे हैं कि राधा जी कहाँ है। एक बार डाके रिधु वने आबा डाके श्याम वने जहाँ जाके एक बार डाके राधा कुंडे आबा डाके श्याम कुंडे। ये जो भजन की पद्धति है जो हमें हमारे गुरुवर ने दी है वो है विरे की। लेकिन कई सहजीय लोग क्या करते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं कि मैं सखी हूँ और मैं कृष्ण का मिलन कर रही हूँ या उसके रूप में जा रही हूँ और चिंतन करना शुरू कर देते हैं उन लीलाओं का। लेकिन हमारे जो गुरुवरों ने जो पद्धति दी है वो विरेमयी भजन की पद्धति दी है। और आज की जो हमारी परिक्रमा थी सारी विरह स्थलियों पे हम गए। आज चार प्रकार का बताया गया है विप्रणम, चार प्रकार का विप्रणम श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं। पूर्व राग मानस श प्रवास आदि विप्रणम बहु विदुखिदे विद्वद्भिर् इह कथ्यते। चार प्रकार का विप्रणम भाव होता है। सबसे पहला होता है पूर्व राग। पूर्व राग की बताता है मान, यानी कि जब राधा जी मान कर लेती है प्रवास और प्रेम बचते तो सबसे शुरू करते हैं पूर्व राग। पूर्व राग एक ऐसा विप्रणम है जब गोपियों ने अभी कृष्ण का मिलन नहीं हुआ, गोपियां कृष्ण से मिली नहीं है, लेकिन कृष्ण के बारे में श्रवण करके गोपियों के हृदय में जो एक विप्रणम भाव का उदय होता है उसको बोलते हैं पूर्व राग। यानी कि राग से जो पहली वाली स्थिति है जिसमें अभी प्रेम प्रेमिका और प्रेम प्रेम का मिलन नहीं हुआ लेकिन उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति जो भाव उदय होते हैं उसको बोलते हैं पूर्व राग। तो जिस स्थान पर अभी हम आए संकेत वन ये पूर्व राग का स्थान है। यहीं पे राधा और कृष्ण का सबसे पहला मिलन हुआ है तो ये हो गया पूर्व राग का विप्रणम स्थान। दूसरा बताया मान। जब राधा जी कृष्ण से मान कर लेती हैं, राधा जी जब कृष्ण से मान करती हैं तो कृष्ण के मन में इच्छा होती है राधा जी के दर्शन करने के लिए, लेकिन कृष्ण से भी ज्यादा तीव्र इच्छा राधा जी के मन में होती है श्याम सुंदर के दर्शन करने के लिए, लेकिन राधा जी तब भी कृष्ण के दर्शन नहीं करती। तो सोचो राधा जी अपनी उस उत्कंठामय दर्शन को वहां पे रोकती है, क्यों, कृष्ण की सेवा के लिए। तो राधा जी अगर मान भी करती हैं तो कृष्ण की सेवा के लिए करती हैं। तो उस मान में जब राधा जी को विप्रणम भाव होता है, ये हो गया मान का विप्रणम भाव। हम जो ललिता कुंड में गए थे, ललिता कुंड में राधा जी ने कृष्ण से मान किया है तो वहां पे ये लीला हुई। तीसरा आता है प्रवास। श्रील रूप गोस्वामी जी बताते हैं प्रवास में क्या होता है। जब कृष्ण ब्रज को छोड़ के बहुत दूर चले जाते हैं, जैसे कृष्ण द्वारका चले गए, कृष्ण मथुरा चले गए, उस समय जो गोपियों के हृदय में जो विरह होता है उसको बोलते हैं प्रवास, जिसमें भ्रमर गीत आदि प्रकाशित हुआ जो अभी हमने उद्धव क्यारी की उसकी कथा सुनी है, ये होता है प्रवास विप्रणम भाव। और चौथा विप्रणम भाव होता है प्रेम विचित्ते। प्रेम विचित्ते क्या है, जिसके अंदर मिलन के अंदर ही विरह की भाव है। अभी हम जहां जाएंगे प्रेम सरोवर में क्या है, राधा और कृष्ण का मिलन हो रहा है और मिलन में ही राधा जी को कृष्ण से विरह हो रहा है। तो ये चार प्रकार के विप्रणम भाव हमें श्रील रूप गोस्वामी जी ने बताए हैं। और आज हमारी जो परिक्रमा थी हम इन चारों स्थानों पे गए जहां पे चारों ही प्रकार का विप्रणम भाव है। संकेत श्रील गुरुदेव बताते हैं कि हमारे श्रील विश्वनाथ चक्रित ठाकुर पाद जी ने इसको लिखा है चमत्कार चंद्रिका में कि जो प्रेम होता है प्रेम कभी भी मुख से प्रकाशित नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए कि दोनों के हृदय के अंदर श्याम सुंदर और राधा जी दोनों के हृदय के अंदर एक दिया जल रहा है। ये दिया क्या है, ये दीप जो है ये प्रेम का दीप है। और अगर
प्रेमिका अपने मुख से बोलती है, उस प्रेम को व्यक्त करती है, तो वो जो दीप है वो दीप बुझ जाता है। इसलिए प्रेम को कभी भी मुख से व्यक्त नहीं किया जाता। और प्रेम में हाँ का मतलब ना होता है और ना का मतलब हाँ होता है। लेकिन जिसने प्रेम किया है, जो प्रेमी जन है, वो ही इसको समझ सकते हैं कि हाँ का मतलब क्या है और ना का मतलब क्या है। जैसे कृष्ण ने यहाँ पे संकेत किया राधा जी को, क्या संकेत दिया राधा जी ने? कृष्ण को संकेत दिया, राधा जी यहाँ से अपने हाथ में पानी का घड़ा लेके जा रही है, सामने से कृष्ण आ गए, तो राधा जी ने श्याम सुंदर कृष्ण को बोला कि कृष्ण अगर तुमने मेरा स्पर्श किया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे राधा जी कहना चाहती है कि जल को भी प्राण बोलते हैं, जल ही जीवन है, वॉटर इज लाइफ। तो वहां पे राधा जी बोलना चाहती है तुम मेरे को जल्दी स्पर्श करो ताकि मैं इस प्राणों को त्यागूं, इस प्राण को उठाना बड़ा कठिन हो रहा है। तो वहां पे इसको कौन समझेगा? प्रेम जो होता है वो संकेत से किया जाता है। तो यहीं पे कृष्ण क्या करते थे? गोपियों को संकेत देते थे कि आज हम कहां पे मिलेंगे। अगर कृष्ण केश पकड़ रहे हैं तो यानी कि आज हम केशव पुष्प में मिलेंगे। तो अनेक अनेक प्रकार से संकेत देके गोपियां कृष्ण से और कृष्ण गोपियों के साथ क्या करते थे? इस प्रेम का आदान प्रदान करते थे। और यही ये जो स्थान है बिल्कुल लंदगांव और बरसाना के बिल्कुल मध्य स्थली पड़ती है। तो मानो कि जब इधर हो गया कृष्ण का गांव, यहाँ पे हो गया राधा जी का गांव। और अगर आप राधा जी का पर्वत देखोगे जो वृषभानु पर्वत है और इधर जो नंद जी का पर्वत है, दोनों महल कैसे हैं? बिल्कुल आमने सामने एक चट्टान के ऊपर है। इधर राधा जी का घर हो गया, उधर कृष्ण का घर हो गया। तो वहां पे भी दोनों आपस में क्या करते थे? संकेत से ही बातें करते थे। तो ये संकेत वन में सामने ही संकेत देवी भी है। संकेत देवी पूर्णमासी योग माया देवी का ही एक विस्तार है जो कृष्ण की मिलन, राधा और कृष्ण का मिलन करवाती है संकेत देवी। तो यही इतना ही बोल के मैं वाणी को विश्राम देता हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। प्रथम मिलन ठाकुर जी श्री राधा रानी और किशोरी जी का हुआ था, और इधर से कन्या जी आते हैं हमारे, और इधर से श्री राधा जी। तो प्रथम मिलन इसी रास मंडल पर हुआ है और नित लीला का अभी रसपान ब्रजवासी करते हैं। ब्रजवासियों को नित लीला का रसपान कराया था श्री ठाकुर जी, श्री कुंज बिहारी जी ने, संकेत बिहारी जी ने। तो ये निज वृंदावन है, इसमें जितना ठाकुर जी से इतने ध्यान लगाओगे उतना आपको ठाकुर जी की लीला का रसपान मिलेगा। गुरु श्री संकेत बन बिहारी लाल की, यहाँ संकेत बन बिहारी जी का प्राचीन मंदिर है और ये प्राचीन राष्ट्र मंडल है। आपको जो श्रद्धा हो दान की हरे कृष्णा। आमरा गुरु वैष्णव अनुगत्य एखन जे जगह एसे छी एई स्थान नाम होलो संकेत। अपना श्रवण करले संकेत अर्थ होलो आमरा ओई दिगे थेके एला, ओई दिगे होलो नंदगांव आर एई दिगे होलो बरसाना। आर एई जगह तो होलो नंदगांव आर बरसाना, एटा होलो माझखाने जगह होलो एटा, जेखाने संकेत माने इंगित इशारा करे आज के हमारा एई जगह हमारे मिलन हबो। एई जने जखन कृष्ण नंदग्राम में थाकते तखन माँ यशोमती राधा रानी के तिनी बाड़ी के तिनी डाकते रान्ना कराते डाकते, केन ना राधा रानी तिनी बर प्राप्त करिसिले जे ओनार हाथे जत्तो रान्ना बान्ना हबे ओगुलो की हबे अमृतमय हबे। এখানে রাধা রানী তিনি সমস্ত সখীদের সঙ্গে তিনি আসতেন নন্দগ্রামেতে, ওইখানে রাধা রানী তিনি রান্না বান্না করতেন। এখন এখন কৃষ্ণ আজকে কোন দিকে প্রচারণ করতে যাবে, আজকে রাধা কৃষ্ণের কোথায় মিলনা হবে? এখন রাধা কৃষ্ণের তো বিয়ে হয়নি যে কৃষ্ণ ডাইরেক্ট বলে দিবে যে তোমাদের আমাদের সঙ্গে এখানে আমরা মিলব। এই জন্য কখনো কখনো কৃষ্ণ তিনি কি করতেন, সখীদের তিনি চুল কে হ্যাঁ তিনি কেশ কে স্পর্শ কর নিতে, মানে কেশ স্পর্শ করা মানে আমরা কেশব কুঞ্জ মিলব, আজকে কেশব কুঞ্জ মিলব। কৃষ্ণের যে অঙ্গুল গুলো আছে বা গোপীদের যে অঙ্গুল গুলো আছে, কৃষ্ণ তিনি কি করতে, তিনি ওই অঙ্গুল গুলোকে
সংকেত ছিল, যদি আমি এই অঙ্গুলকে স্পর্শ করি না এই কুঞ্জে মিলব, আর এই অঙ্গুলকে যদি স্পর্শ করি এই অমুক কুঞ্জে মিলব। এই জন্য সেখানে তিনি ওই অঙ্গুলকে স্পর্শ করে তিনি বলতেন আমরা কোথায় কোথায় আমাদের মিলন হবে। এই জন্য রাধা রানী সেখানে বলছেন কর্ণ ও কর্ণিকারম, কৃষ্ণের তো দুইটি কান কিন্তু একটি কানে তিনি কনিয়ের পুষ্প লাগান, একটি কানে কেন দুই কানে কেন লাগান না, বলে এই জন্য একটি কানে কনিয়ের ফুল লাগাই লাগিয়ে থাকে কৃষ্ণ ওই কনিয়ের ফুল দিয়ে না এই দিকে করে দিতেন। বলে রাধা রানীকে ভক্তি রেখে আমি আজকে এই দিকে প্রচারণা করতে যাবো, তোমরা আজকে এই দিকে আসবে, আজকে তোমরা আজকে এই দিকে আসবে তোমরা। এই জন্য এখানে সংকেত করে এইখানে মিলন হতো। একটু আগে এখানে আমার কথা শুনেছিলাম, সর্বপ্রথম রাধা গোবিন্দের মিলন এইখানে হয়, হয় কি করে তখন যখন কৃষ্ণ তিনি কালিয়ার মাথার উপর তিনি নৃত্য করে, নৃত্য করার সময় সমস্ত ব্রজ গোপীরা সেখানে এসেছিল, সেখানে শ্রী রাধা রানীও সেখানে এসেছিল। যখন গোবিন্দ তিনি সেই রাধা রানীকে দর্শন করে তিনি সুবল কে বলে সুবল, যখন আমি এই কালিয়ার মাথার উপর নৃত্য করেছিলাম না একটি সুন্দর আমি একটি মেয়েকে দেখেছি, আর ওই মেয়েকে দেখতেই আমার মন প্রাণ চিত্ত ওই মেয়েটাই নিয়ে গেছে, আমি ওর ছাড়া প্রাণ ধারণ করতে পারবো না। এদিকে কি হচ্ছে রাধা রানী তিনি বিশাখাকে বলছেন, বল বিশাখে আমি হলাম হিন্দু ঘরের মেয়ে, নিয়ম হলো একটি পুরুষকে মন প্রাণ একটি পুরুষকে দিতে হয়, কিন্তু আমার মন প্রাণ তো তিন তিন পুরুষের উপর চলে গেছে, বলে তিন তিন পুরুষকে বলে একটি আমি ওই চিত্রা সখী একটি সুন্দর তিনি ফটো বানিয়েছিল, যাবে থেকে ওই ফটো মধ্যে দেখেছে এই গোপী থেকে দেখেছি, তবে থেকে ওই ফটোর মধ্যে আমার মন প্রাণচিত ওই যে ফটোটা বানিয়েছে চিত্রটি ওর মধ্যে মন প্রাণচিত চলে গেছে। এই জন্য কৃষ্ণ তিনি ত্রিভুবন ললিত রূপে দাঁড়িয়ে আছেন, বলে কেন যদি একটা কোন সিধা জিনিস হয় না ভিতরে ঢুকে গেলে বেরিয়ে যাবে, আর যদি মধ্যে বাঁকা জিনিস হয় আর ঢুকলে আর ধরে হবে না, যেরকম আপনাদের হৃদয়ের মধ্যে ঢুকে গেছে আর উনি বেরোচ্ছেন আর পাগল বাড়িয়ে ঘুরেছে ঘুরাছে, আপনাদের পাগল ঘুরিয়ে বৃন্দাবনেতে ঘুরাছে। এই জন্য আমাদের রূপ গোস্বামী বলছেন খবরদার বৃন্দাবনে একদম যাবে না, বলে আমি তো বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য তো টাকা পয়সা এক বছর থেকে জোগাড় করছি, বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য কত জীবন থেকে একটু একটু পয়সা জমা করছি, বলে যদি বৃন্দাবনে চলে গিয়েছে না সেখানে কেশিদের তো ঘাট আছে ওখানে একদম যাবে না, বলে ওইখানে তো আমরা স্নান করতে যাবো ওইখানে, এই জন্য বৃন্দাবনে এসেছি, বলে ওখানে যদি ভুলেও চলে গিয়েছে ওখানে একটা গোবিন্দ দেবের মন্দির আছে যাতে ওই মন্দিরে পায় না পড়ে, বলে ওই গোবিন্দকে তো দেখতে এসেছি আমরা, হ্যাঁ তুমি বলছে যে ওকে দর্শন করবে না, ওর দর্শন করতে তো আমরা এসেছি, বলে যদি একবার দেখেছে না তখন আমার কোন দোষ দিবে না, কেননা সেরূপ নয় না হেরে কেহ নাহি ঘরে ফিরে সংসার জীবের সত সয়ে সর্বনাশ, বন্ধু সঙ্গে থাকে যদি রঙ্গ পরিহাস। তিনি তাদেরকে সাবধান করছেন, বলে তাদের তিনি সাবধান করছেন যারা এই সংসারের মধ্যে সুখে স্ত্রী পুত্র দেরকে নিয়ে যিনি থাকতে চান তাদেরকে তিনি বলছেন, বুঝতে পারছেন তো। এই জন্য রাধা রানী তিনি বলছেন একবার তার রূপকে আমি দর্শন করে আমার মন প্রাণ চিত্ত ওই রূপে চলে গেছে, বলে তৃতীয় পুরুষকে বলে একটি বংশী ধ্বনি আমি শুনলাম, ওই বংশী ধ্বনি জগৎ থেকে শুনেছি, ওই বংশী ধ্বনি শুনে আমার মন প্রাণ চিত্ত ওই বংশীওয়ালা সব নিয়ে নিয়েছে, বলে তৃতীয় কি বলে একটি কৃষ্ণ নাম আমি শুনলাম, ওই কৃষ্ণ নাম জগৎ থেকে শুনেছি না মন আমার পাগল হয়ে গেছে, আমার মন তো তৃপ্তি পুরুষের প্রতি চলে গেছে এত প্রাণ আমি ত্যাগ দেবো। তখন বিশাখা বলছে দেখো এই তিন পুরুষের আলাদা নেই হয়ে কি, যার রূপ তুমি দেখেছো না তারই এটা নাম, আর তিনি বংশী ধ্বনি তিনি মারিয়েছেন, বলে বিশাখে ওই পুরুষের প্রতি আমাকে মিলাম না তো আমি প্রাণ ত্যাগ দেবো, এবার চিন্তা করছে কোথায় মিলে পড়া হবে, কেন সাধারণ লোক হলে মিলে যাও, একটি হলো রাজার ঘরের মেয়ে একটা হলো রাজা রানীর ছেলে, মিলন কোথায় করাবো। সুবল সখাকে কৃষ্ণ বলেছে, এদিকে বিশাখাকে বলছে, এখানে বিশাখা আর সুবল সখা দুজন মিলেছে, বলো দেখি দুজন কোথায় মিলাই, বলে এই যে জায়গাটি আছে এইটা হলো নন্দগাম আর বর্ষানার এটা হলো মাঝখানে, আমরা তাদেরকে এইখানে মিলন আমরা করাবো, অতএব তারা দুজনে এনে এইখানে তাদেরকে মিলন করায়, আর এইখানে তাদের নৈশলীলা, নৈশলীলা মানে তাদের যে রাত্রিতে এইখানে সেখানে বিশ্রাম এইখানে করে বৃন্দা দেবী তিনি সুন্দর তাদের যেন কুঞ্জ সেখানে বানায়, আর আমাদের ভক্তি প্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ
जेती भजन लिखे छे ना भर्ती प्रत्येक दिन का भजन गाय ना मंगल श्री गोरु गौरा तापरे मंगल पुराती मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल पिरी अतर ए भजन डालो ए गाने का भजन राधा गोविंद तरा निकुंज ते विश्राम कर छे एक होने जवन विश्राम कर छे एक होने रात्रि शेष होते अत जगत से वृंदावन विजनी तार से ही मधुर लीला के जिनी पुष्टि करे तेरी देखते ने सूर्य उदय होते जाछे एक होने की कर तब राधा रानी के छेड़ी तब बुधाए जावट दी जे तहवे आर गोविंद के छेड़ी तब बुधाए नंदग्राम एक होने सादर के पाठी दी तहवे एक होने वृंदावन देवी तेरी व्यस्त होए तेरी की कर ले तुम समस्त सुख पाकी तेरे बल के साथ तेरे तुम्हारे सब राधा कृष्ण गुणगान करो सागर जैसे विद्या भंग जाते हैं एवं तारा तक तेरे पाठी दी तहवे क्या ना लोक उठा आगे एक ना हमारे तेरे जो मंगला आरती है कौन है ब्रह्म मुहूर्त है सूर्य उदय हवार एक घंटा 30-36 मिनट आ गया है क्या ना तादर के राधा रानी चली जावे जाबट और कृष्ण चली जावे तिनी नंदग्राम तिनी जावे और एक गाने तादर के धीरे 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 तादर के उठाए और कटखट के आदेश दिए जटिला कुटिला बोले तादर के जगाए जागिए तापर समस्त मंदिर सजा तादर से ही जुगला आरती करे और एक घंटे राधा रानी की नहीं जाए जब चली जाए কখনো কখনো রাধা রানী কি হয় তোর এই কাপড় কখনো কখনো বদলি হয়ে যায় রাধা রানী পড়ে গেছে পিতাম্বর চলে গেছে আর কৃষ্ণ তিনি তিনি নীলাম্বর পড়ে তিনি চলে গেছে হ্যাঁ এখন যখন সকাল হয়েছে ওই জটিলা কুটিলা যখন দেখে রাধা রানী ওই হলুদ কাপড় পড়ে আসলে এটা কি এটা তো গোবিন্দের কাপড় মনে হচ্ছে হলুদ কাপড় হলো গোবিন্দের ইয়ে কাপড় কি করে এরকম গাইতা বিচারা তো খুব চালাক বলে বুড়ি হয়ে গেছিস না এই যে দেখতে তোমার চোখতে ঠিক করে দেখা যায় না দেখো এই সূর্যটা উঠেছে না ওই যে সূর্যটা উঠেছে ওই সূর্য ওঠার সময় দেখবে ওর যে রক্তি মে আভাটা একটু হলুদ হলুদ রং ওই যে রক্তি মে আভাটা এই কাপড়ের মধ্যে পড়ে ও হলুদ মধ্যে কাছে তাকা তাও দেখি রকম ফল তোমার জটিলা ফুলে টাকা আছে যেমন টাকা আছে না আর এদিকে ললিতা বিশাখা সঙ্গে সঙ্গে কাপড়টা কি করেছে ওই হলুদ কাপড় ছাড়িয়ে নীলাবর দিলি রাধা রানীকে নীলাবর কাপড় পরিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ আর এই যে সমস্ত লীলা আদি এইখানে হয় এখানে সংকেত সরি এখানে আছে কখনো তিনি বংশী ধরি করা কখনো বৃন্দা কখনো কখনো বীরা এদের দ্বারা তিনি তাদেরকে ইঙ্গিত দিয়ে এইখানে রাধা গোবিন্দের এখানে তাদের মিলন হয়েছিল সর্বপ্রথম মিলন ওই ঝুলাটি হল রাধা গোবিন্দের বসে এখানে মধ্যে ঝুলতো এখানে রাসলীলা এখানে অনেক প্রকার লীলা হয়েছে এই ব্রজ সম্পূর্ণ কৃষ্ণ লীলার দ্বারা তার লীলা যুক্ত স্থলী হল এই ব্রজভূমি অতএব আপনারা সবাই প্রণাম করেন এখান থেকে চরণ ধুলি নিন আর প্রার্থনা করুন এই লীলা যাতে আমাদের হৃদয়ে প্রকট হয় ঠিক আছে বাচ্চা গল উদর ব্যস্ত কৃপা সিন্ধু ভাই বাচ্চা পণ্ডিতানন্দ পাব দেবো বৈষ্ণবে ভো নমন ইনি বলে আমাদের वो बोल रहे हैं कुछ कुछ श्रद्धा हो यहाँ पर कुछ कुछ प्रणाम देने के लिए ये बोल रहे हैं हम बोल सके इसकी जो श्रद्धा है